हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज हम बात कर रहे हैं MI A3 के बबल्स के बारे में और ऐप पिनिंग के बारे में, ऐप पिनिंग कैसे काम करेगा, और तीसरी बात करेंगे थीम कस्टमाइजेशन के बारे में और फॉन्ट कस्टमाइजेशन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बबल्स के बारे में, जिसका सभी को इंतजार था। तो मैंने सभी कोशिशें करके देख ली है बबल्स के लिए और ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग के अंदर। देखिए, सेटिंग में जाकर के यहाँ पे लिखना है चैट, और चैट में जाकर के चैट फीचर्स में जाना है। चैट फीचर्स में जाकर के आपको जो है नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में जाकर के आपको बबल्स में जाना है और यहाँ पे ऑल कन्वर्जेशन कैन बबल करना है, या फिर यहाँ पे आप सिलेक्टेड कन्वर्जेशन कैन बबल भी कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, बबल्स की सेटिंग करने के बाद में आपको जो है पर्सनली जो लोग हैं, जैसे कि जिस भी व्यक्ति के मैसेज को आपको बबल में कन्वर्ट करना है या अगर सिलेक्टिव करते हैं, तो आपको यहाँ पे जाकर के बबल दिस कन्वर्सेशन भी ऑन करना है। अब देखिए, ये जो बबल है ये सिर्फ खाली यहाँ पर ऊपर की साइड में एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर दिखाएगा। प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ गोल, उसका नेम या उसका फोटो यहाँ पर दिखाई देगा। ये चीज व्हाट्सएप में भी काम करेगी, लेकिन ये वाली चीज व्हाट्सएप में काम नहीं करेगी, यहाँ पे जो बबल आएगा वो व्हाट्सएप में भी काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको मैसेज में जाना है। मैसेज में जाकर के यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यही तीनों चीजें यहाँ पर भी दी गई हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो भी है यहाँ पे आपको ऐसा दिखाएगा, और ये सिर्फ अभी सिर्फ ओनली मेन मैसेज के अंदर वर्क कर रहा है, व्हाट्सएप के अंदर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो होना जरूरी है। और इस चीज को जैसे ही आप कोई मैसेज करेगा, ये बबल बन करके ऐसा आ जाएगा और यहाँ पर आकर के आपके सामने रखा जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसको ओपन करके यहाँ से चैट कर सकते हैं। और कोई भी परेशान मत होना कि मेरे इसमें वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर ये वर्क नहीं करेगा, ओनली मेन मैसेज में करेगा। अब बात करते हैं ऐप पिनिंग के बारे में। तो देखिए, ऐप पिनिंग क्या है, आपको जाना है सेटिंग में सबसे पहले, और यहाँ पर लिखना है ऐप पिनिंग। ऐप पिनिंग यहाँ पे जाना है और यहाँ से कर देना है इसको इनेबल। देखिए, यहाँ से कर देना है इनेबल। अब इनेबल करने के बाद में क्या होगा, ये फीचर जैसे ही आप कोई भी चीज कहने कोई सा भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद उसको ऐसे रिसेंट में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पिन, तो आपको क्या होगा कि ये एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, ना बेक जाएगा सही से और ना जो है कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, मतलब पूरा जैसे लॉक हो जाएगा, जिस उसी एप्लीकेशन पे लॉक हो जाएगा। ना आपको कोई बेक लेने की जरूरत है, ना होम पे जाने की, होम पर भी नहीं जाएगा। तो इसको रिमूव कैसे करना है, ये अच्छा फंक्शन है। अगर आप कोई किसी बच्चे को फोन देते हैं, मान लो उसी को एक एप्लीकेशन चलाना है, तो ये अच्छा एप्लीकेशन है, सिस्टम है। तो इसके अंदर आपको इससे रिमूव करने के लिए इस वापस से होम बटन पे जाना है और ऐसा होल्ड रखना है, जिससे कि लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा फोन और ऐप अनपिन्ड हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अब बात कर लेते हैं थीम कस्टमाइजेशन के बारे में और फोन कस्टमाइजेशन के बारे में। तो देखिए, थीम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो है एंड्रॉइड 11 में से पूरी तरह से हटा दिया गया है। मुझे बहुत दुख हुआ है इस मामले में। तो आपको अगर सिर्फ खाली इसकी सेटिंग को, जैसे एंड्रॉइड 11 के अंदर ये जो सिंबल्स होंगे, ऐप के आइकॉन्स होंगे, तो ये जो है बहुत बड़े बड़े होंगे, इनको हमें छोटा करना है थोड़ा। थीम कस्टमाइजेशन के लिए तो आपको जाना है सेटिंग में, सिस्टम में, एडवांस में, और डेवलपर ऑप्शन आपको पहले से इनेबल करना है। बिल्ड नंबर में जाकर आपको याद होगा ये, तो वो यहाँ पर डेवलपर फंक्शन में जाकर के आपको इन सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे यहाँ पे यह देखिए आप, ये ड्रॉइंग नाम से जो बना हुआ है फीचर, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ जो है यहाँ पे 360 अभी जो है करीबी थी पहले, मैंने इसको 390 कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी एप्लीकेशन है उनका साइज छोटा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, ये 360 पहले यहाँ पे करीबी थी पहले कंपनी की तरफ से। अब ये देखिए, ये सारे आइकॉन्स जो है बड़े हो चुके हैं, ये देखिए सब बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इनको जो है आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, 390 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं। ये वापस से यहाँ का साइज भी इसका छोटा हो गया है, ये देखिए ये साइज भी छोटा हो चुका है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
अब फॉन्ट की बात कर लेते हैं, तो फॉन्ट के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फॉन्ट। फॉन्ट सर्च करते ही आपके सामने ये दो ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज आएगा और यहाँ से आप डिफॉल्ट फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्मॉल विड्थ सेट करने से पहले आपको ये करना है, स्मॉल विड्थ सेट करने के बाद अगर आप इसको सेट करोगे तो आपके आइकॉन्स भी बड़े हो जाएंगे, तो ये आपको अपने हिसाब से सेट करना है। डिस्प्ले साइज यहाँ पे दे रखा है 295 दे रखा है, जो कि हमने अभी डेवलपर ऑप्शन में से करा, वो वहाँ पे जो है ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे सिर्फ 295 तक ही फुल हैगा, तो ये एक अच्छी बात है कि हम वहाँ से जाकर के इसको सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।